मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज हम आपको एक रोचक खबर दिखाने जा रहे हैं। खबर दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि घर के अंदर किसी बात को लेकर घर में कलेश हो जाता है, और वो भी पति पत्नी के बीच। लेकिन पति पत्नी के बीच कलेश होता है और वो कई बार अदालत की चौखड़ तक पहुँचता है, और यहाँ तक कि तलाक के फैसले भी होते हैं। हालाँकि आजकल अदालतों में ऐसे बहुत केस आने लग गए हैं, लेकिन जब एक अच्छे बड़े पद पर बैठा एक व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को मार पीटे और उसकी पत्नी अपने ही पति को एक युवती के साथ एक कमरे के अंदर पकड़ ले संदिग्ध परिस्थितियों में, तो आप इसे क्या कहेंगे? यह खबर हम आपको बता रहे हैं कि यह खबर आ रही है बड़ी रोचक भोपाल से, और छोटी छोटी बात पर किस तरह से घर के कलेश जो है बहुत बड़े हो जाते हैं। हम इस खबर के अंदर आपको दो वीडियो भी दिखाएंगे। पहले वीडियो वो है जिसमें एक पुलिस अधिकारी जो है वो एक कमरे में जाता है और एक युवती से बातचीत कर रहा होता है, और फिर अचानक उसकी पत्नी आ धमकती है और पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो पुलिस अधिकारी अपनी पत्नी को युवती के सामने क्या जवाब देता है वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर उसके बाद दूसरा वीडियो जो हम आपको दिखाएंगे उसमें पति और पत्नी के बीच, यानी कि एक पुलिस के बड़े अधिकारी और उसकी पत्नी के बीच किस तरह से मारपीट होती है और किस तरह से एक पुलिस अधिकारी अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये दोनों वीडियो वायरल हो रहे हैं बड़ी तेज़ी से, और ये खबर मध्य प्रदेश में है। इसमें जो व्यक्ति एक महिला को बुरी तरह पीट रहा है वे मध्य प्रदेश पुलिस में डीजी रैंक के अधिकारी हैं, यानी कि पुलिस विभाग के पुलिस महकमे के एक बहुत बड़े अधिकारी। उनका नाम है पुरुषोत्तम, और वे अपनी पत्नी प्रिया को पीट रहे हैं, वो भी अपने ही घर में काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों के सामने। रहते तो हैं वो भोपाल में, वीडियो भी है भोपाल का है और यह वीडियो भी उनके घर का है। वीडियो हर कहीं अब मौजूद है, यानी कि बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। पुरुषोत्तम के पुत्र जो है पार्थ ने यह वीडियो फुटेज मध्य प्रदेश के गृहमंत्री, राज्य के डीजीपी और राज्य के मुख्य सचिव समेत तमाम बड़े अफसरों को भेज दिए। हैरानी की बड़ी बात यह भी, आप गौर फरमाएं कि डीजी के जो बेटे हैं पार्थ, वह खुद भी आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में तैनात हैं। अब उन्होंने पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद पुरुषोत्तम को अब पद से हटा दिया गया है। उनका लोक अभियोजन सचिवालय से भी डीजी गृह विभाग मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं यह मामला अब राज्य के महिला आयोग में भी पहुंच गया। वहां महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने यहां तक कहा है कि हम डीजी को नोटिस जारी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वह पहला वीडियो जिसमें पुरुषोत्तम की पत्नी उनका पीछा करते हुए कमरे तक पहुँचती है, और वो क्या देखती है वो पहले आप भी देख लीजिए। जी, दरवाजा खोलेंगे, जरा आपसे बात करना। व्हाट वर यू डूइंग? हेलो, ये है तुम्हारा असली रूप? ये है असली रूप? हाँ हाँ, बिल्कुल है। किसी के यहाँ बैठना ये है? बैठिए ना, बात करेंगे थोड़ा सा। नाराज क्यों है? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही, इसमें क्या करने वाली बात? जो करना है करने दीजिए। दिस माय लाइफ, माय लाइफ, शी इज माय वाइफ, शी हैज बीन चेजिंग मी। जब भी मैं बाहर जाता मुझे चेज करती है, मैं तुम्हारे आया हूं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम पे मेरा क्या अधिकार है? ठीक है, ये पति है मेरा, आपको जो करना करिए। प्लीज सर, आप बैठिए एक सेकंड प्लीज। अरे मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो क्या कर दिया मैंने? रेप किया है? रेप किया तो आप शिकायत करो, ये शिकायत करो। बट यू कैन नॉट चेंज माई लाइफ लाइक दिस। दिस इज माई लाइफ, आई विल कंटिन्यू टू दिस। आई हैव कॉट यू रेड हैंडेड टुडे। क्योंकि सर की वो पोजीशन है तो मुझे। सर तुमसे अकेले में क्यों मिलने आए थे? तुम्हारे घर फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं बाकी? वो
वो तो अभी गए हुए हैं, हैं तो यही। शो मी योर बेडरूम। क्या जरूरत पड़ गई थी साथी को यहाँ आने की? क्या नहीं किया मैंने इस आदमी के लिए? इतना सेक्रीफाइस किया, इतना संयम रखा, इतना धैर्य रखा, और तुमको बाहर कुछ करना है तो कर लो, लेकिन घर में तो अच्छे से रहो अपनी बीवी बच्चों के साथ। लीजिए मैम, लीजिए मैम। कब से चल रहा है तुम लोग का ये? नहीं मेरी तो नॉर्मल बात होती है मैम, मेरा प्लीज मैम, मैं बहुत चेज कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तीन साल से आई भी चेज है। और वो उनका तो मुझे नहीं पता। नहीं, तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही मैंने पता किया। आपने देखा कि डीजी पुरुषोत्तम की पत्नी कैसे कमरे का मुआयना करती है और अचानक से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसती है, और किस तरह से पति और पत्नी के बीच जवाब तलखी होती है। और वहाँ आपने देखा होगा एक सुंदर सी युवती भी मौजूद है, हमने उसका चेहरा ढक दिया है, हम किसी की पहचान उजागर नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि उसके पति सीधा कह रहे हैं कि दिस इज माई लाइफ। अब इस मामले में पुरुषोत्तम के बेटे और पत्नी से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही किसी प्रश्न का कोई जवाब दिया। पुरुषोत्तम ने इस मामले में मारपीट पर सवाई दी है। उन्होंने कहा कि वह 12 साल से शक कर रही थी, यानी कि उनकी पत्नी 12 साल से शक कर रही थी। मामला भी दर्ज कराया था, घर के एक एक कोने में CCTV कैमरे लगवाए थे। मैंने मारपीट नहीं की, उन्होंने अपने बचाव में ये कहा। मैंने अपना बचाव किया, वह चाहें तो शिकायत करने के लिए स्वतंत्र हैं, यह उनके अपने मौलिक अधिकार हैं, वह मेरी निजी ज़िंदगी में दखल देती है। यानी कि पुरुषोत्तम ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाता हुआ कहा है कि उनकी पत्नी निजी ज़िंदगी में दखल दे रही हैं और उनका जीना मुश्किल कर दिया। उसने मुझ पर कमरे में आकर हमला किया, उनका यह आरोप है, इसलिए मैंने अपना खुद का बचाव किया, बस धक्का मुक्की जरूर हुई है। इधर भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस बारे में खबर जो हमें पता लगी है और वीडियो भी देखा है, अभी कोई शिकायत नहीं आई है, अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई करेंगे। जो पहले आपको वीडियो दिखाया था वो 7 मिनट 13 सेकेंड का है, और पुरुषोत्तम रविवार सुबह यानी कि कल सुबह अपनी महिला मित्र के तिरलंगा स्थित घर पहुंचे, पीछे पीछे उनकी पत्नी प्रिया भी पहुंच गई। पुरुषोत्तम और प्रिया के बीच काफ़ी लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है। 2009 में भी प्रिया ने डीजी के खिलाफ प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। लेकिन अब आपको दूसरा वीडियो भी दिखा देते हैं, आप भी देख लीजिए किस तरह से घर के अंदर ही मारपीट का नज़ारा सामने आ रहा है। तो ये खबर दिखाने का हमारा मकसद केवल यही था कि घर के अंदर कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है पति पत्नी के बीच। पति और पत्नी एक ज़िंदगी के सफ़र के तो बड़े ऐसे पहिए होते हैं जिन पर दोनों के बिना पारिवारिक जो जीवन नहीं चल सकता। इसलिए इस खबर को देखने के बाद आप भी थोड़ा संयम रखें, यदि परिवार के अंदर यदि अपनी पत्नी के साथ कोई बातचीत हो जाती है तो आप संयम के साथ बातचीत करके वो मुद्दा सुलटाएं, वरना घर में इतना बड़ा क्लेश हो जाता है। और दूसरा, यदि आपके पति आपको अपने पति के चरित्र पर कोई शक है तो उसको सार्वजनिक करने की बजाय घर में पारिवारिक लोगों के सामने उस मामले को सुलटाने की कोशिश करें ताकि बेवजह यह मामला सबके सामने ना आए। आप भी देखिए अब यह दूसरा वीडियो और फैसला कीजिए कि क्या इस तरह की घटनाएँ एक पुलिस अधिकारी को शोभा देती हैं। यह देखिए यह वीडियो। कमरे में एंटर मत होइए, कमरा मेरा है, वो मेरी बाउंड्री है। मैं फिर कह रहा हूँ कमरा मेरा है, इसको एक बार काट के देख ले। तू क्या है बीच में? चाकू है? क्या करूँ? क्या होता है? क्या है? तो क्या छोड़ नहीं रहा? तो क्या
साले मेरा कैच ही मार दी आई वॉन्ट टू डॉट ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.